तो आज हम फिर से एक बार आ गए टाटा एस का जो एस्केलेटर डीजल लीकेज है उसको बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कवर का जो चारों नट था उसको खोल लिया है और एस्केलेटर का जो पेडल है उसको भी खोल लिया है। तो खोलने के बाद हम लोग इसी तरह से इसको निकालते हैं, थोड़ा जाम आएगा तो पेच गस से इधर उधर मारते तो निकल जाता है। और साइड में जो आपको पॉलीथीन दिख रहा है वो इसीलिए दिया हुआ है, जो खोलने के बाद डीजल गिरता है वो डायनामा में ना जाके गिरे, क्योंकि पंप के नीचे ही डायनामा है। तो इसको हमने खोल लिया है, आप देख सकते हैं हमने एस्केलेटर को अलग कर लिया कवर से और ये कवर तो अंदर से बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम पंप के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा डाल देंगे ताकि कोई चीज़ बाहर से अंदर ना गिरे, कोई चीज़ अंदर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से अभी सब बढ़िया लग रहा है, तो कोई जाम नहीं है, फ्री है सब। तो अभी हम कवर पे चलते हैं और ये देखिए हमने इसका कवर का खोल लिया, ये जो है ये ऑफ लीवर है। यहाँ से डीजल लीक तो नहीं हो रहा था फिर भी हमने इसको खोल लिया है ताकि इसको भी बदली कर देंगे, इसका जो ओरिंग है उन दोनों को बदली करेंगे। ये लीवर नहीं है, लीवर तो अच्छा है, ये ओरिंग को बदली करेंगे और लीवर अच्छा है, लीवर में कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका ऊपर का स्प्रिंग वाशर प्लेटें हैं और कवर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से मेन ओरिजिनल इसका एस्केलेटर है तो यहाँ से डीजल लीक हो रहा था, तो इसको भी हमने ओरिंग को बदली करेंगे। तो और आप दिखाते हैं अच्छे से आपको, ये जो पंप है ये भी टाटा इसका ही है, तो यहाँ से ये जो एस्केलेटर है यहाँ से डीजल लीकेज हो रहा था, इसके डीजल लीक होने के बाद इधर उधर जाता है। ये इसका एस्केलेटर है, ज़्यादातर पंप का इसी तरफ से ही डीजल लीक होता है। और ये जो ऑफ लीवर ये कहाँ लगता है ये भी दिखाते हैं आपको, यहाँ जो प्लेट दिख रहा है आपको ये इसी में लगा हुआ है, इसका अंदर नट लगता है ये जो बाहर है इसका। यहाँ से भी डीजल तो लीक नहीं हो रहा था फिर भी बदली कर ही देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, और इसका तो ज़रूरी बदली करेंगे ही हम एस्केलेटर लीकेज। तो वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अभी हम फिटिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं वॉश वॉश करके हमने अच्छे से फिटिंग कर लिया है। और ये फिटिंग हमने कवर लगाने के बाद अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, तो यहाँ से देखना पड़ता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी हमने चारों बोल्ट को लगा लेना है और टाइट कर देंगे अच्छे से। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके लिए कमेंट का दरवाज़ा खुला है, बेझिझक आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने चारों को लगा लेना है अच्छे से, टाइट कर लेना है, इसमें उतना ज़्यादा टाइट भी नहीं देना है, ये स्लिप भी हो जाता है कई बार, इसका बॉडी का जो थ्रेड है वो इतना हैवी नहीं है, नाजुक है। तो अभी हमने ये लगा लिया है और लगाने के बाद एस्केलेटर को भी लगा लिया है और अभी हम एयर निकाल रहे हैं। एक बंदा नीचे से फीट पर मारेगा तो एयर निकल जाएगा, जो शुरुआत में डीजल गिरी थी उसको हम फिलअप कर रहे हैं। और ये जो ओवरफ्लो बोल्ट है इसको भी हमने लगा लेना है एयर निकालने के बाद, एयर निकालना ज़रूरी है, आप ऐसे ही लगा देंगे तो दिक्कत आएगी, मिसिंग आएगी। तो अच्छे से एयर को निकाल लेना है फिट पर मार के और टाइट कर लेना है इस ओवरफ्लो बोल्ट को। टाइट करने के बाद अच्छे से पोंछ लेंगे कपड़ा लेके, और पोंछने के बाद देखेंगे स्टार्ट करके। तो हमने स्टार्ट कर लिया है
आपने देखा होगा कुछ देर तक मिसिंग कर रहा था, तो स्टार्ट होने के बाद आपको 4-5 मिनट तक ऐसे ही स्लो पे रख लेना है ताकि जो एयर है वो निकल जाए। वाला कौन है हमारा गाड़ी से जो